यहाँ पे पंजाब आए हुए हैं, आज हो गया 20 साल हो गया पंजाब के अंदर काम करते, तभी यहाँ पे आज तक कुछ बना नहीं पाया इतनी महंगाई में। ये लॉकडाउन करके ना जो मिल जाता है खर्चा वर्चा, ये अपना निकलता रहता है रोजी रोटी, और एक कपड़े के 5 रुपया है प्रेस वाला, काम जब तक चलता है, गर्मी चलता है, ठंडी में मिलता नहीं काम। उसके बाद ये धुलाई उलाई मिल जाता है थोड़ा बहुत, नहीं लॉकडाउन में काम ही नहीं था उतना, फैमिली क्या खाएगी, हम क्या करेंगे इतनी महंगाई में। तभी ये कपड़े का रेट बढ़ा नहीं रहा हूँ, हर चीज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, अपना चीज़ तो बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। और 2 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई कराना है, सब कुछ, ऊपर से खर्चा भी है, किराया भी है, रूम का भाड़ा भी है, सारा कुछ देना होता है, तभी तो 4 पैसे कमाएंगे, तभी तो आगे देखेंगे कुछ। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। कोयला मतलब ऐसा है कि कुछ कोयला चलता है, कुछ चलता नहीं, कॉटन के कपड़े आते हैं, क्या करके कपड़े सही से बन नहीं पा रहा, बंदे बोलते हैं कि कपड़े सही से कभी साइज देते हो, कभी साइज देते नहीं, कपड़े ठीक से हो नहीं रहा है, काटन के बल नहीं निकल रहा है। स्टूडेंट लोग आते हैं बोलते हैं कपड़े बना ही नहीं पा रहे हो सही से, कोई लोग बोलते हैं कपड़े ठीक है, कोई मना करते हैं, कोई पैसे नहीं देते। बाबूजी धीरे चलना,